चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी। साथ में स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस के दिन मुख्यमंत्री कर सकते हैं सातवें चरण की बड़ी घोषणा। छठे चरण के नियुक्ति पत्र वितरण और रद्द नियोजन इकाई में काउंसलिंग के बाद सीटों का होगा रिकैलकुलेशन। सीटेट दिसंबर 2019, जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी, घबराए नहीं, शिक्षा सुधार आप आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। कल बक्सर में शिक्षा मंत्री ने जो सातवें चरण के संबंध में बड़े बयान दिए, आपको पहले वो सुना। अभी तो छठे चरण की नियुक्ति चल रही है, इसी में कुछ जगह का बाकी है या कहीं कहीं पर शिकायत के कारण उसकी जान चल रही है, तो जहाँ नहीं पूरा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर हम लोग सातवें चरण की प्रक्रिया आरम्भ करें। 1,25,000 से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करें, उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया। शिक्षा मंत्री लगातार सातवें चरण के संबंध में बड़े बयान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार दिवस के दिन लगभग 1,20,000 सीट प्राथमिक के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए लगभग 80,000 सीटों की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। ऐसे में आपको बड़ी बात ये बता दें कि 2012 से 2022 के बीच की रिक्तियां जुड़ेंगी सातवें चरण में। छठे चरण की बहाली के समाप्त होने के बाद सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा। छठे चरण की बची सीटें और 2012 से 2022 के बीच में उत्पन्न रिक्तियों को जोड़कर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लगभग 80,000 और प्राथमिक में 1,20,000 सीटों पर सातवें चरण की बहाली होगी। 2019 के बाद से बिहार दिवस पर कोरोना काल के कारण प्रतिबंध था, पर अब 2022 में बिहार दिवस एक बार फिर से मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री बिहार दिवस के दिन कर सकते हैं सातवें चरण की बड़ी घोषणा। बिहार दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री, अखबार की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में किया जाना है। बिहार दिवस कार्यक्रम के लिए बहुत जल्द रूपरेखा तय कर ली जाएगी। 27 फरवरी को तैयारी के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई है। अखबार के हवाले से बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। गांधी मैदान से बड़ी घोषणा कर सकते हैं सातवें चरण के संबंध में मुख्यमंत्री। ऐसे में कुछ छबड़ी यूट्यूब चैनल और छबड़ी अभ्यर्थियों ने आप सातवें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को भरमाया कि 47,000 सीट मतलब छठे चरण की बची रिक्तियों पर ही सातवें चरण की बहाली होगी, जो कि सरासर झूठ है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जो हमारी वार्ता हुई, छठे चरण की समाप्ति के बाद छठे चरण की बची रिक्तियों को रिकैलकुलेट किया जाएगा और 2012 से 2022 की रिक्ति को भी इसमें जोड़ा जाएगा और इसके बाद प्राथमिक में 1,20,000 सीट और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 80,000 सीटों पर सातवें चरण की बहाली शुरू की जाएगी। इसके लिए 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस के दिन बड़ी घोषणा की जा सकती है। जब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं हो जाती, सीटों का रिकैलकुलेशन संभव नहीं है। ऐसे में छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही सीट रिकैलकुलेशन की बात कर रहा है शिक्षा विभाग। आपको बता दें, जिस तरह प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली के लिए गांधी मैदान से बड़ी घोषणा के बाद कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाकर बजट का प्रावधान किया गया, उसी तर्ज पर सातवें चरण के लिए 22 मार्च 2022 को गांधी मैदान से बिहार दिवस के दिन बड़ी घोषणा के बाद बजट का प्रावधान किया जाए। आपको बता दें कि अभी तक की सूचना के अनुसार अप्रैल महीने में सातवें चरण की बहाली प्रस्तावित है। सातवें चरण में ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हुई, संबंध में शिक्षा सुधार द्वारा शिक्षा विभाग को कई बड़े ज्ञापन दिए गए। सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 के साथ आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सूचना ये है कि फिलहाल शिक्षा सुधार के बैनर तले कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा। हम सभी छठे चरण की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग के पास अभी बहाना है कि छठे चरण की बहाली अभी पूर्ण नहीं। अब बात करते हैं स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के PIL के साथ में बड़े आंदोलन की। स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। ऐसे में हमारे स्टेट इनमेरिट साथी सचिवालय के सामने डटे रहे। अखबार ने आज इस संबंध में लिखा, स्टेट अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस ने घसीटा। अखबार ने क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर, STET 2019 में मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा दो दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मेधा सूची में शामिल छात्रों का ही नियोजन हो। अगर शिक्षा विभाग मेधा सूची से बाहर के छात्रों को शामिल करना चाहता है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा सुधार संगठन के अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग को STET 2019 के नियोजन को लेकर मामले को स्पष्ट करना चाहिए। लगातार दो दिनों से शिक्षा सुधार भी अखबार के माध्यम से आप स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के मुद्दे को ज्वलंत रूप से उठा रहा है। ऐसे में कल जो शर्मनाक घटना घटी, मेरिट में अभ्यर्थियों को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक घसीटते हुए जीप में बिठाया,
आपको हम वीडियो फुटेज से पहले रूबरू कराते हैं, इसके बाद विश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को बार बार पुलिस प्रशासन घसीट रही। आप ये समझिए कि इन मेरिट अभ्यर्थियों का कसूर क्या है? यही कि वो बिहार में पैदा हुए, यही कि बिहार उनकी माटी है, या इन मेरिट अभ्यर्थियों का कसूर यह है कि उन्होंने मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर पढ़ाई की? पिछले दो दिनों से इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ जो बर्बरता अपनाई जा रही, सुशासन नहीं है, कुशासन की सरकार है और कुशासन के शिक्षा मंत्री मेरिट और नॉट मेरिट को एक कहते हैं, पर सीटों पर और नोटिफिकेशन के पालन पर उनकी चुप्पी साफ ये जाहिर करती है कि नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी जो अभी तालियां बजा रहे हैं वो ये सुन ले कि जो शिक्षा मंत्री अपने नोटिफिकेशन को मांगने से इनकार कर रहा है वो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कहां पहुंचाएगा। ऐसे में इन मेरिट अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन मेरिट अभ्यर्थी डिगने वाले नहीं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में 28 फरवरी 2022 को बड़ी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में प्रस्तावित है। इस बीच में गेंडा रूपी आलोक श्रीवास्तव ये भ्रम फैलाता था कि रिज्वाइंटर फाइल नहीं हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा रिज्वाइंटर फाइल है। गेंडा रूपी आलोक श्रीवास्तव जो आम अभ्यर्थियों का लाखों रुपए लेकर पूर्णिया भाग गया, ऐसे गेंडा पर विश्वास न करें, शिक्षा सुधार कर्मठता के साथ कार्य आगे बढ़ा रहा है। पटना हाईकोर्ट से जल्दी बड़ी सुनवाई के बाद स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिलेगी और आगे इन मेरिट अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के हिसाब से आगे नियोजन इकाई में जाएंगे। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी समझे कि दो दो बड़े अधिवक्ताओं के खर्च, साथ में आगे रिज्वाइंटर आई और तरह तरह के दस्तावेजों को फाइल करवाना खर्च होता है। अब एक बार पटना आते जाते हैं तो हजार रुपए आपके बर्बाद होते हैं। यहाँ शिक्षा सुधार लगातार आपके केस को आगे बढ़ा रहे हैं। आप केस में आर्थिक रूप से सहयोग करें, केस को मजबूत करें ताकि मजबूती से स्टेट पीआईएल आगे सुनवाई में हम पटना हाईकोर्ट के पटल पर रख सके। एक तरफ आंदोलन और दूसरे तरफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल, दोनों को मजबूती से आगे बढ़ाना है और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत लगभग लगभग सुनिश्चित। आज आपने देखा कि सातवें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है, शिक्षा सुधार उनके साथ है। 1,20,000 प्राथमिक और लगभग 80,000 सीटों पर माध्यमिक, कुछ माध्यमिक की बहाली पर हमने आपको विश्लेषित किया, साथ में स्टेट पीआईएल और गेंडा पर विश्वास न करें, शिक्षा सुधार कर्मठता के साथ कार्य आगे बढ़ा रहा। पटना हाईकोर्ट से जल्दी बड़ी सुनवाई के बाद स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिलेगी और आगे इन मेरिट अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के हिसाब से आगे नियोजन इकाई में जाएंगे। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी समझे कि दो दो बड़े अधिवक्ताओं के खर्च, साथ में आगे रिज्वाइंटर आई और तरह तरह के दस्तावेजों को फाइल करवाना खर्च होता है। आप एक बार पटना आते जाते हैं तो हजार रुपए आपके बर्बाद होते हैं। यहाँ शिक्षा सुधार लगातार आपके केस को आगे बढ़ा रहे हैं। आप केस में आर्थिक रूप से सहयोग करें, केस को मजबूत करें ताकि मजबूती से स्टेट पीआईएल आगे सुनवाई में हम पटना हाईकोर्ट के पटल पर रख सके। एक तरफ आंदोलन और दूसरे तरफ पटना हाईकोर्ट में